हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली क्योंकि मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए टेक्नो नोवर का सेकंड पार्ट। ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है लेकिन उसकी प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन उसके प्रोसेस के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने उसी प्रोसेस को कम किया हुआ है इस वीडियो में, लेकिन इसमें साथ साथ उसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी कम हुई है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एक बार फर्स्ट वीडियो भी देख लें और जहां तक हो सके आप उस पर ही वर्क करें। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके गाइस, सबसे पहले आ जाना आपको पिक्सल लैब में और यहाँ पर 3 डॉट्स पे कर देना क्लिक। इमेज साइज को हम कर लेंगे यूट्यूब थंबनेल पे, ठीक है। मैं कर लेता हूँ यूट्यूब थंबनेल। ओके करके आपको अब क्या करना है ना, इसका कलर सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। तो कलर हम जो कर रहे हैं ब्लैक, आप भी ब्लैक ही कर लो क्योंकि अच्छे से प्रॉपर दिखाई देगा। उसके बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाना है और मैं आपको एक PNG मतलब फोटो दूंगा, आपको उसको इम्पोर्ट कर लेना है पिक्सल लैब में प्लस के आइकन पर क्लिक करके, जो मैंने आपको अभी प्रोसेस बताई वैसी, ठीक है। इसको हमको सेंटर कर लेना है, बिल्कुल मिड पॉइंट रखना है, इसका मतलब बीच में रखना है इसको बिल्कुल हमको, ठीक है। ये शील्ड जो है ना, मैंने पहले ही तैयार कर ली है इसको पिक्साइट से, मतलब पूरा रिमूव कर दिया है आपके लिए, बस आपको कोई भी टेंशन वाली जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से उसको कर लिया, बिल्कुल सेंटर पर रख लिया है। और आपको सेंटर पर रखने के बाद क्या करना है ना, टेक्स्ट पर आना है, प्लस के आइकन पर टेक्स्ट लिखना है और आपको जो भी वर्ड्स लिखना है उसका फर्स्ट आपको लेटर लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। और ये सब लिंक विंक सब कहाँ हैं तो मैं आपको लास्ट में अभी बता दूंगा ये सब कहाँ मेरे को आपको मिलेंगी ये सब, ठीक है। आपको इसको बिल्कुल सेंटर में कर लेता हूँ फिलहाल, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ, इंक्रीज़ साइज़ कर लेता हूँ इसका, सॉरी इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर लेता हूँ। उसके बाद ना आपको फ्रंट थोड़ा साइड से कट रहा है तो मैं इसको थोड़ा साइड से भी कर लेता हूँ बाहर, क्यों कट रहा था वो, उसका फ्रंट में जाना और फ्रंट आपको जो ये वाला आपको कहाँ गया भाई, हाँ ये इसको आपको कर लेना है। अभी मैं बताऊंगा ये सब फ्रंट वाइंड कहाँ दिया है मैंने। यहाँ इसको थोड़ा हम कर लेंगे थोड़ा बड़ा और हाँ बस बढ़िया लग रहा है, तो ठीक है, हाँ जी तो ठीक है। उसके बाद इसकी कॉपी बनाएंगे हम, और कॉपी बना के इसमें लिख, मतलब जो भी नेक्स्ट वर्ड है आपका वो लिख लो। जैसे कि मेरा बी है, मैं यू और वी टाइप कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। और बीच में इसको लेके आ रहा हूँ मैं और इसको हम बिल्कुल साइड में रख लेंगे। इसकी एक और कॉपी बनाएंगे और अब हम दोनों को क्या करना है ना, मर्ज करना है इन दोनों को, मतलब U और B इनकी दो दो कॉपी बना के इनको मर्ज करना है, जिसे मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे करना। जैसे B की अपन ने एक और कॉपी बनाई, इसको सेंटर में रख लेना बिल्कुल साइड में, और हाँ यहाँ से हमने साइड में रख लिया, जैसे मतलब बीच में रख लिया दोनों को, और यू को हटा देते हैं आप देख सकते हो। और बी दोनों जो बी है उनको दोनों को मर्ज कर लेना है ऐसे करके, ये आ गया मर्ज और यह कर लिया हमने मर्ज, ठीक है। ऐसे ही आपको मर्ज कर लेना और इसको अब हम वैसा का वैसी क्या करेंगे, यू की भी वैसी की वैसी कॉपी बनाएंगे, ठीक है। इसको सेंटर में कर लेते हैं इसको सबसे पहले, तो अपन बी को हटा के, हट गया भाई, चल अब इसको सेंटर में कर लिया सबसे पहले अपन ने। अब अपन यू की वैसे का वैसी कॉपी बनाएंगे, तो इसकी भी हम एक इसको सेंटर में रख लेते सबसे पहले तो अपन, और इसकी एक और कॉपी बना के इसको भी रख लेंगे सेंटर में, और चलेंगे लेयर पे और दोनों को टिक करके यहाँ से कर लेंगे मर्ज। इससे क्या होता है ना कि हम इनको थिकनेस को हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं, इस कारण से हम इसको ऐसा करते हैं, मतलब इनको दोनों को मर्ज करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, जैसे मैं क्या सोच रहा हूँ ना, आप अपने अपने वर्ड्स के हिसाब से सोच सकते हैं कि क्या पर यहाँ पर सही लगेगा। जैसे यू और बी लिख रहा हूँ तो उसका जो कॉलम दिख रहा है आपको बी का, सॉरी यू का और बी का, तो इनको मैं करूँगा मिक्स, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो भी सही लग रहा है आपको, मेरे हिसाब से ये सही लगेगा। तो मैं क्या करूँ, आप पहले सबसे पहले ना इनको ये बॉक्स जैसे दिख रहा है इसको आप ऑन कर सकते हो ताकि आपको पता चल सके कि अपने वर्ड्स ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे हैं, मतलब इसकी लाइन तो बाहर नहीं जा रही, इससे हमको पता चल जाता है। सबसे पहले आप इसको सेंटर में रख लो, ठीक है, मैं ऐसा सेंटर में रख लेता हूँ इसको। ओके, आपको उससे ना इरेजर पे आना है, मतलब मैं इरेजर पे कहूँ आपको कंबाइन आप भी ऐसे कर सकते हो, जैसे कि मैं थोड़ा ये है ना बी और यू का कॉलम एक ही रखूँगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसका साइज़ बढ़ा लूँगा, बहुत छोटा है पहले, मैं यहाँ पर इसको सिंपली अभी तो कर लेता हूँ क्योंकि ये बी का ये कटना नहीं चाहिए। अब मैं साइज़ बढ़ा के इसका ये बी का जो इधर वाला कॉलम है इसको मैं रिमूव कर दूँगा पूरा ही, क्योंकि बस मेरे को यू का कॉलम और वी का कॉलम में इसको कंबाइन कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आप वर्ड्स लिख रहे हो उसको आप कंबाइन, क्योंकि टेक्नो ग्रामर में भी यही किया था कि टी और जी को कंबाइन किया हुआ था, वैसे ही आप कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, ऐसा हमने कंबाइन कर लिया है। अब यू की जो थिकनेस है ना वो ज़्यादा लग रही, बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है, तो उसको पतला भी कर लेंगे हम। वी को थोड़ा सा ऊपर से इरेज़ कर सकता हूँ, अब वो पार्ट दिख रहा है जैसे कि यहाँ से बस हल्का सा। ओके, अब सही लग रहा है, आप देख सकते हो यू ना थोड़ा सा ज़्यादा मोटा लग रहा है, थिकनेस इसकी ज़्यादा लग रही, तो हम इसको यहाँ से सिंपली ये कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसको मर्ज भी किया था क्योंकि हम उसमें ऐसा थिकनेस को इसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते थे जो कि हम इसमें कर सकते हैं, इसलिए हमने मर्ज किया था, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे ना, इसको
इन दोनों को कर लेंगे मर्ज, जैसे कि हमने यहाँ पर रख लिया है तो अब इन दोनों को मर्ज कर लेंगे, ठीक है। अब इसका साइज जो बढ़ा लेंगे, क्योंकि इतना बहुत छोटा लग रहा है ये साइज तो। ओके, मैंने इतना साइज रख लिया इसका, और अब मैं क्या करूँगा ना, ठीक है, मैंने इतना साइज जो है इसका रख लिया है, इसका कलर इनेबल कर दूंगा और कलर रख लूंगा मैं ब्लैक, ठीक है, क्योंकि हमको ब्लैक इरेज करना है अभी कलर। ओके, और उसके बाद मैं दोनों को कर लूंगा मर्ज। ओके, मैंने कर लिया यहाँ पर मर्ज। आपको बस सिंपली क्या करना है ना, कलर इरेज पे आके इसको कर लेना, और कलर पिकर को उठा के हमको रख लेंगे ब्लैक पे। आप देख सकते हैं पूरा हमारा बैकग्राउंड, मतलब अभी दिख नहीं रहा लेकिन इसका यू और बी का हमारा बैकग्राउंड हो गया इरेज। और थोड़ा सा टॉलरेंस को आपको बढ़ा के देख लेना। उसके बाद आपसे आ रहा है 3D इफेक्ट में। 3D इफेक्ट में आने के बाद डेप्थ आप देख सकते हो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 8, और इसकी हार्डनेस हम बढ़ा के 54 पे रखेंगे। और इसको हमको नहीं, इसको नहीं छेड़ना, गलती से छेड़ दिया मैंने, वापस इसको 0 पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इसकी लाइट एंगल को मैं बढ़ा रहा हूँ, इसका मैं रखूँगा 103 पे रखा मैंने। और इंटेंसिटी को हम थोड़ा सा ना कम करेंगे, 61 पे रखेंगे, और शेडो को भी बढ़ा लेंगे। शेडो आई थिंक 8 पे सही है, चलो हटाओ। स्पेक्युलर हार्डनेस को भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसको रखेंगे 52 पे। यहाँ से डन हो चुका है, लेकिन हमारी आप जो बॉर्डर देख रहे हो इस पे भी हमारा 3D इफेक्ट डल गया, जो कि डलना नहीं चाहिए था। इसको कैसे रिमूव करें, आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना, और फिर से यही वाला शेप जो मैंने डिज़ाइन है ये जो, इसको वापस से आपको लेके आना है, ठीक है। आपको लेके आने के बाद अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, कि सबसे पहले इसको छोटा कर लेंगे हम, इसको वहीं पर लगा लेंगे, मतलब इसके बिल्कुल मिड में रखना है आपको, जैसा हमारा जो पिछला वाला, मतलब पहले जो था उसको रखना। इसके आप जाके चेक कर सकते हैं रिलेटिव साइज़, तो 52 92 है, तो इसका भी हम वही का वही साइज़ रखेंगे, ताकि वो छोटा बड़ा ना हो। तो रिलेटिव साइज़ में आके देख सकते हैं 53 है, तो इसका 52 कर लेंगे हम। ओके, यहाँ से हो चुका सही, डन। और यहाँ से कर लेंगे राइट, और बिल्कुल इसको मिड में रख लेंगे, यहाँ से आके ये कर लेंगे हम मिड में, ताकि हमारा दोनों बिल्कुल ही एक ही पोजीशन पे आ जाए। उसका इरेजर पे आना, और आपको क्या करना है ना, कि बीच बीच का इसका मतलब इरेज कर लेना है, क्योंकि हमारा जो है वो यू और वी बीच में इतनी जितनी जगह में होगा उसका इरेज कर लेंगे। आपको रफ्सा करना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि जैसे कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर लेना आपको रफ्सा करना। बस इतना याद रखना कि इस जगह में जो हम इरेज कर रहे हैं उस जगह में हमारा यू और वी, मतलब जो भी आप वर्ड लिखो वो बन जाए। बस आपको वही ध्यान में रखते हुए इसको इरेज कर लेना है। जैसे कि देखो मैंने बहुत ही रफ्सा किया है यहाँ पर, और यहाँ से कर लिया डन। और आप देख सकते हैं अब हमारा जो बॉर्डर पे जो हमारे 3D इफेक्ट आ, ये देखो ये जो 3D इफेक्ट आ रहा था अब वो हट गया है। तो यही था वो, और अभी थोड़ा लग रहा है ना साइड में बिल्कुल, मतलब यू और वो उधर खिसक के चले गया, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा हमारा बीच में नहीं है इस कारण से। तो इसमें जाके मैं कर लूँगा इसको सेंटर में, यहाँ पर देख सकते हो अब बिल्कुल सेंटर में आ चुका है हमारा यू और वी। और ये कंप्लीट हो गई हमारी वीडियो, ठीक है। आप यहां से सिंपली इसको डन कर सकते हो, देख सकते हो मतलब बिल्कुल सेंटर में ही है ये। ओके, और आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हो, ऐसा करके मर्ज कर लेंगे हम इन दोनों को। ओके करके यहां पर हो गई हमारी मर्ज, और हाँ गाइस इनकी और यहां से कर लेंगे हम सेव। और इनका जो सब डिस्क्रिप्शन में नहीं है इनका लिंक, आपको इनका लिंक मिलेगा मेरी फर्स्ट पार्ट का, इसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट निकाला था यहां पर, मैंने पूरा मैन्युअली बताया था आपको कि कैसे कैसे इसको एडिट करना है, क्योंकि इसमें पिक्सल का प्रॉब्लम जैसे कि आपको मैंने अभी बताया वैसी। तो आपको क्या करना है, बस एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो दिख जाएगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, और वहां से आके आप इसकी लिंक जो है डाउनलोड कर सकते हो, इसका सेव सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।